फॉर्मुलाज है जो आपको पता होने चाहिए मतलब नॉर्मल कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी आइडल टाइम आइडल टाइम की कॉस्ट तो हम एक क्वेश्चन भी करेंगे सो so दैट आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि मैम ने सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं करवाई मैम ने सिर्फ यू you नो know, Uh, बोल के ऐसे चली नहीं गई शी ऑल्सो क्वेश्चन शी डिड अ क्वेश्चन सो टू डू दैट हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे उसे थोड़ा सा दिमाग में क्लियर करेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है एंड देन वी विल डू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर मैं बेसिक बोलू कितनी कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की चेयर्स काउंट करूँ एक सिनेमा हॉल की तो लेट से ये सारी चेयर्स 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 मिला के बैठती है तो इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉल अब इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं घुसा सकती लोग क्यों क्योंकि मैम चेयर्स ही नहीं है क्या खड़े होके मूवी देखेंगे क्या पागल हो गए हो ठीक है तो कैपेसिटी क्या होती है कि कितने लोग उस पर्टिकुलर चीज में यू uh, नो you know, उस हम यूटिलाइज कर सकते हैं या मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कितनी है फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस की बात करूं ऑफिस में मैम पचास चेयर है एंड पचास डेस्क है तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑफिस इज़ 50. बट अगर तुमने देखा होगा कभी फिफ्टी की फिफ्टी चेयर्स यूटिलाइज नहीं होती तुम्हारी कुछ खाली भी पड़ी रहती है कुछ एक्स्ट्रा भी लगी रहती है राइट सो कैपेसिटी क्या है जितना मैक्सिमम आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो फाइन तो अगर मैं कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री की बात करूं, एक फैक्ट्री मतलब कितनी कैपेसिटी है कितने रिसोर्सेस है हमारे पास टू प्रोड्यूस गुड्स इन दी फैक्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स इन दी फैक्ट्री फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में हमें पता है कि 500 यूनिट्स बन जाएंगे पर डे तो उस फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी होगी पाइव हंड्रेड यूनिट पर डे फॉर एग्जाम्पल लेट से निशेयर सबको पता होगा निशेयर राइट ने शेयर क्या है एक हेयर एक्सटेंशन ब्रांड है किसी को नहीं पता तो uh, पता होना चाहिए दे आर फॉलोइंग ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हाँ तो ने शेयर का क्या है एक ऑफिस है ठीक है And एक सेलोन है मुंबई में तो बहुत छोटा सा एज ऑफ नाउ उसने एक मॉल में मुंब यू नो खोला हुआ मुंबई में ठीक है एंड उसका अगर मैं कैपैसिटी देखू मैक्सिम पीपल दैट कैन एक्चुअली बी देर इज योर अराउंड ट्वेंटी पीपल इन द ऑफिस एंड अगर सारे कस्टमर आते गए आते गए आते गए आते गए शी हेज द कैपैसिटी टू फुलफिल दंड्रेड पीपल पर डे पर डे तो वो उसकी कैपेसिटी हो गई वो उसकी कैपैसिटी हो गई कि भाई कितने रिसोर्सेस है टू फुलफिल द

ठीक है तो ये बेसिक होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई बिकॉज़ इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको अगर मतलब ही नहीं पता होगा कि डिफरेंट यू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल्स तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर पाओ तो सबसे पहले आती है लाइसेंस्ड कैपेसिटी लाइसेंस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है द प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर विच लाइसेंस इज इश्यूड बाय एन अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका यू uh, नो you know, फायर क्रैकर बनाने का बिजनेस है क्या है फायर क्रैकर बनाने का बिजनेस है अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिला है कि मैम आप एक दिन में सिर्फ 500 सौ ही बनाओगे इससे ज्यादा हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे क्यों बिकॉज ऑफ द चाइल्ड लेबर बिकॉज ऑफ एनी थिंग एनी एनवायरमेंटल रीजन वी विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट मोर देन फाइव हंड्रेड अब आप कहोगे कि मैम हमारी फैक्ट्री की capacity, कि जितने पा, बट गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ पाँच सौ पेड्रेड इज द लाइसेंस कैपेसिटी फाइव हंड्रेड इज द लाइसेंस कैपेसिटी की उस कैपेसिटी के लिए मुझे क्या मिला है एक लाइसेंस मिला है अथॉरिटी से एंड उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकती उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकते ठीक है नाउ द नेक्स्ट इंस्टॉल्ड और मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट कैन अचीव अंडर परफेक्ट कंडीशन विदाउट डाउन टाउन डाउन टाइम फॉर एग्जाम्पल मैम दो दिन थे दो दिन मतलब एक था मंडे का दिन और एक था ट्यूसडे का दिन मंडे को हमारी मशीन खराब हो गई क्या हो गई मशीन खराब हो गई हम बना सकते थे दस हजार यूनिट हमने बनाए सिर्फ आठ हजार यूनिट मैम ट्यूसडे को कोई मशीन नहीं खराब हुई कोई छुट्टी पे नहीं था सब आए थे सब ढंग से काम कर रहे थे कोई आइडल टाइम नहीं था कुछ भी नहीं था दस हजार यूनिट्स बने ठीक है टूजे वॉज अ डे जहाँ पे हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे थे वर्कर uh, की तबियत खराब हुई कुछ भी नहीं हुआ सब कुछ बढ़िया चल रहा था सब कुछ परफेक्ट चल रहा था एंड टेन थाउजेंड वॉज दी मैक्सिमम कपैसिटी वॉज दी मैक्सिमम कैपेसिटी Capacity, capacity like, आठ घंटे right? तो right? काम करवाती हूँ तो मैक्सिमम कितना काम कर सकते वो थ्री सिक्सटी फाइव इंटू एट थ्री सिक्सटी फाइव इंटू एट क्या हो गया ये आपका अ uh, देखो 365 into 8 ये हो गया 2920 आवर्स इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स जो मेरी लेबर काम कर सकते हैं जो मेरी लेबर काम कर सकते हैं बट ऑब्वियसली मैम ये इतने दिन काम नहीं करेंगे ये कुछ हॉलीडेज भी लेंगे कुछ मशीन में मेंटेनेंस भी होगा कभी-कभी डिमांड -कभी कम भी होगी मैम कभी-कभी वो एक्स्ट्रा संडेज भी आएंगे कभी-कभी कभी भी भी आएंगे तो तो right? आप को को बोल सकते हो कि ठीक no, 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 no. है तो जब हम इस 2, 9, 2, में से प्रैक्टिकल आर्स फॉर एग्जाम्पल लेट से इन सबका टोटल इज हंड्रेड आर्स तो हंड्रेड माइनस कर देते हैं टू ए टू जीरो बिकम्स माई प्रैक्टिकल कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी की मैम प्रैक्टिकली बात करो हवा में बात मत करो ऑब्वियसली आपको भी पता है जब आप लैंस में काम करते हो आप पूरे साल काम नहीं करते पूरे साल काम नहीं करते देर वुड बी सर्टेन हॉलीडेज देर वुड बी सर्टेन यू नो फेस्टिवल्स जहाँ पे आप लीव लोगे जहाँ पे आप छुट्टी लोगे जहाँ पे आप वेकेशन पे जाओगे सो दीज आर समथिंग अनअवॉयडेबल समथिंग अनअवॉयडेबल then capacity based on sales expectancy what does it mean capacity based on expected sales after the market analysis usually less than practical capacity due to the market demand limitations क्या मतलब हुआ माम नहीं समझ में आया for example माम ठीक है आपने कहा two nine two zero is the maximum practically two eight two zero but actual में पता है हमारी वर्कर सिर्फ दो हजार two थाउजेंड आवर्स काम कर रहे पता है क्यों क्योंकि मैम डिमांड ही नहीं थी मैम कोरोना आ गया उसमें हमारी डिमांड जीरो हो गई अब मैं लेबर को क्यों घसीट के अपने पैसे वेस्ट करूं उनके एफर्ट्स वेस्ट क्यों करूं उसके रिसोर्सेस क्यों वेस्ट करूं फैक्ट्री के जब डिमांड ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट की लेट से मैम एक महीने के लिए कोरोना आया फॉर एग्जाम्पल सितंबर में तो सितंबर में मैंने फैक्ट्री बंद कर दी मैंने फैक्ट्री बंद कर दी यहाँ पे मैंने सबको छुट्टी दे दी क्योंकि डिमांड ही नहीं थी डिमांड की वजह से सेल्स की वजह से मेरा ये टू एट टू जीरो टू थाउजेंड हो गया ठीक है एंड यूजली इट इज लेस देन दी प्रैक्टिकल कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है जो आपने एक्चुअली यूटिलाइज किया मैम 365 डेज खत्म हो गए ईयर खत्म हो गया अब हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेशन करने बैठा उसने देखा कि आखिर हमने एट द एंड ऑफ द ईयर 2500 आवर्स यूटिलाइज करे दैट इज दी कैपेसिटी दैट इज दी एक्चुअल कि एक्चुअल में कितना अचीव हुआ उस पर्टिकुलर ईयर एंड फाइनली नॉर्मल नॉर्मल मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेंस नॉर्मल वॉट इज नॉर्मल फाइन तो बेसिकली आपका ये सारे लेवल्स होते हैं कैपेसिटी के फिर से लाइसेंस जो अथॉरिटी से मिला मैक्सिमम कुछ सब कुछ परफेक्ट बट लाइफ में लाइफ की तरह सब कुछ परफेक्ट नहीं होता कुछ अनअवॉइडेबल चीजें आती हैं तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से भी कम मैम सेल्स एक्चुअल साल खत्म होने के बाद पता चलेगा एंड नॉर्मल इज द एवरेज नॉर्मल इज द एवरेज मैम इतनी सारी चीजें बता दी याद कैसे करें हेयर इज अटक क्या पेंसिल क्या पेंसिल कैसे पेंसिल बोला मैंने पी ई एन पी एक मिनट क्या था पीई एन सी आई एल ठीक है दैट इज द पेंसिल यू कैन रिमेंबर दिस विद निमोनिक्स ऑफ पेंसिल फाइन नाउ कैपेसिटी लेवल्स एंड ओवरहेड रेट अब एक क्वेश्चन करते हैं तुम्हें और समझ में आएगा कि ये सब चीजें मैम ने क्या बकवास कर दी यहाँ पे लिखती हूँ द कंपनी हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वर्किंग 5000 डायरेक्ट आवर्स तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मेरी 5000 डायरेक्ट आवर्स क्या इतना 100% काम होता है क्या हम प्रैक्टिकली परफेक्ट होते हैं नहीं होते है?

4000 तो ये है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी अब इसने बोला है शो द इफेक्ट्स ऑफ वेडियल कैपेसिटी लेवल्स ऑन द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट गाइस पिछली क्लास में मैंने ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के मेथड्स बताए थे ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन राइट तो आपको वो पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिक्स्ड ओवरहेड्स इतना है और वेरिएबल ओवरहेड्स इतना है अगर मैं देखू मैक्सिमम कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी तो मैक्सिमम फाइव थाउजेंड प्रैक्टिकल फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड नॉर्मल फोर थाउजेंड राइट अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके मैक्सिमम पे ट्वेंटी ऑपरेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पे कितने करेंगे ट्वेंटी सेम राइट ठीक है वेरिएबल ओवर वेरिएबल ओवर वुड बी योर देखो वेरिएबल भी हंड्रेड परसेंट इस पे नाइनटी परसेंट इस पे एंड एटी परसेंट इस पे तो टोटल ओवर लो कितना आ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड तो हमें निकालना है ओवर हेड ऑब्सॉर्बेशन रेट तो सबसे पहले अगर मैं फिक्स्ड ओवर हेड निकालू फिक्स्ड ओवर हेड ऑब्सॉर्स रेट दैट वुड बी

एक मेथड है या तो तुम प्लस कर दो दोनों को फिक्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड को या टोटल डिवाइडेड 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 बाय 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 डिवाइडेडीडेड बाई फोर थाउजेंड ठीक है सबको ये समझ में आया मैंने तीनों क्यों निकाले क्योंकि मैम यहाँ पे क्लियर नहीं था कि आपको कौन सा निकालना है फिक्स वेरिएबल या टोटल फिक्स वेरिएबल या टोटल तो अगर आप आंसर भी देखोगे ऐसे ही डायरेक्ट फिक्स हमेशा सेम रहेगा वेरिएबल वो चेंज देन टोटल निकाला फिक्स्ड ओवरहेड रेट वेरिएबल ओवरहेड रेट एंड टोटल ओवरहेड रेट ठीक है क्या सबको ये समझ में आया ओके दिस वाज योर कैपेसिटी क्वेश्चन अब आते हैं आइडल कैपेसिटी आइडल मतलब खाली बैठना आइडल मतलब खाली बैठना ठीक है आइडल आइडल कैपेसिटी क्या होता है इंस्टॉल्ड वर्सेस एक्चुअल इंस्टॉल्ड वर्सेस एक्चुअल इंस्टॉल्ड कुछ नहीं है मैक्सिमम का दूसरा नाम है ये देखो कंफ्यूज मत होना इंस्टॉल्ड और मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी का दूसरा नेम इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो क्वेश्चन में अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आ जाए तो हिल मत जाना ये क्या आ गया कंसिडर इट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम माइनस एक्चुअल कि कितना हम कर सकते थे वॉज टू एट टू जीरो आज कितना हमने किया दैट इज थ्री ट्वेंटी का डिफरेंस दिस इज आइडल कैपेसिटी क्या आइडल कैपेसिटी तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं मैक्सिमम माइनस एक्चुअल मैक्सिमम माइनस एक्चुअल तो लेट्स से मैक्सिमम हम 500 यूनिट्स कर सकते थे एक्चुअल में सिर्फ 300 यूनिट्स बनी है तो आइडल कितना हो गया 500 हंड्रेड माइनस थ्री एब नॉर्मलॉर्मल मतलब प्रैक्टिकल माइनस एक्चुअल प्रैक्टिकली तुम कितना कर सकते थे पच्चीस सौ बनाए कितने सिर्फ दो हजार पांच सौ का आइडियल कैपेसिटी एब नॉर्मल एब नॉर्मल ठीक है प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल था फोर फिफ्टी बनाए कितने थ्री सिक्सटी एब नॉर्मल कितना हो गया नाइनटी आइडल टाइम इज जब हमारी लेबर खाली बैठी है ड्यू टू माम पावर चली गई मशीन ठीक नहीं है इन सब चीजों के या हमें सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है माम इन दोनों में फर्क क्या है इन दोनों में फर्क क्या है देखो आइडियल टाइम जब मैं बात करती हूँ मैं सिर्फ लेबर की बात करती हूँ किसकी बात करती हूँ लेबर कि लेबर खाली बैठी है बट जब मैं आइडल कैपेसिटी की बात करती हूँ मैं सारी प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ सारी प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ सबके प्रोडक्शन की बात कर ठीक है एक एग्जांपल दो तुम्हें लेट से मैम आइडियल टाइम में क्या हुआ कि हमारी लेबर एक घंटे बैठी क्योंकि 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 उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी क्या मिल रही थी instructions मिल रही थी ये 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 जो आपने निकाला है इसलिए आया क्योंकि डिमांड कम थी क्या थी डिमांड कम थी तो देर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल जिसकी वजह से आइडल कैपेसिटी आई बट आइडल टाइम इज ड्यू टू ड्यू टू तो प्लीज समझो उ कैन यू मैनेज दी कि मैम आप वेरियंट निकालते जाओ उसे मॉनिटर करो उसे लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो विल एंड विदेशन गाइज ध्यान से देखना ये आपके पेपर में आता है क्वेश्चन क्या मांग रहा है क्वेश्चन मांग रहा है आइडल कैपैसिटी कॉस्ट क्या

कितना लगता है टू यूनिट्स पर आर तो एक घंटे में दो यूनिट एक घंटे में दो यूनिट ठीक है छह दिन काम करते हैं हफ्ते में आठ घंटे की शिफ्ट हैड्स है. इसे बांट के यूज करेंगे तो यूजअली ओवरहेड रेट कैसे निकालना है मैम ओवर ऑब्जॉर्प्शन रेट ऑब्जॉर्प्शन कैसे निकलता है आपका दिया हुआ है आइडलिटी रेट्स वेन ओवरिकल कैपैसिटी क्या बोला प्रैक्टिकल कैपैसिटी मैक्सिम कैपेसिटी बोला नॉर्मल कैपैसिटी बोला नो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रैक्टिकल कैपैसिटी ठीक है अब एक एक स्टेप देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी जो मैंने निकाल के दिया था 365 डेज बट क्या हम इतना काम करेंगे नो नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं 2920 में से क्या माइनस करेंगे सबसे पहले संडे क्या करेंगे सन्डेज माइनस तो 52 टू संडेज आएंगे इंटू एट आवर्स दैट वुड बिकम फोर सिक्स फिर बीस छुट्टियां वो माइनस करो फिर ये ऑयलिंग तो आपके टोटल ये आ गया सेवन थर्टी सिक्स तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी टू नाइन टू जीरो टू वन एट फोर तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी मेरी टू वन एट फोर मतलब मेरा डिनोमिनेटर भी आ गया मेरा न्यूमरेटर भी आ गया राइट तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दू आपका Absorption per absorption per कैसे निकलेगा थ्री सेवन टू एट डिवाइडेड कॉस्ट ये सिर्फ है फिक्स्ड कॉस्ट किस रेट से यूटिलाइज होगा सेवनटीन रुपीज पर आर सेवनटीन रुपीज पर आर अब मुझे क्या निकालनी है आइडियल कैपेसिटी क्या निकालनी है

ठीक है बट हमारे क्वेश्चन ने बोला कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करनी क्या करनी है प्रैक्टिकल क्या करनी है प्रैक्टिकल तो आइडियल कैपेसिटी हमारे हमारे क्वेश्चन में कैसे निकलेगी प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी क्यों क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बेसिस पे निकालनी है तो अगर मैं आइडियल कैपेसिटी निकालने बैठू व्हाट शुड बी द फॉर्मूला योर प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस योर एक्चुअल माइनस योर एक्चुअल फाइन अगर मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखू तो हमारा आयता टू वन एट फोर आर्स जो हमने माइनस करके किया था एक्चुअल कितनी है एक्चुअल मैम कैसे पता चलेगा ये देखो ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट बनी है एंड दो यूनिट एक घंटे में बन रही है दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड आर्स दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड राइट तो एक्चुअल कितना हुआ सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स आइडल कितना आ गया एट फोर्टी कितना आ गया एट फोर्टी क्या हमें आर्स निकालने थे या कॉस्ट निकालनी थी मैम कॉस्ट निकालनी थी तो कॉस्ट कैसे निकालूंगी नाइन एटी फोर आर्स इंटू जो हमारी कॉस्ट आई थी सेवनटीन दैट इज वन सिक्स सेवन टू मैम फिर से समझाओ नहीं समझ आया देखो ध्यान से समझना क्या किया हमने बोला इडल कैपेसिटी कॉस्ट निकालो मतलब जो हमने आइडियल बंदे बैठे हैं उसका हम हमारे ऊपर कितना खर्चा हो गया कितना खर्चा हो गया अगर ये सिर्फ बोलता आर्स निकालो मेरे लिए सिंपल होता क्वेश्चन क्यों क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी करती तो मेरे नंबर ऑफ आर्स सिंपली आ जाते बट इसको इसमें चैन नहीं था इसने बोला कॉस्ट मल्टीप्लाई करके मुझे रुपीज में आंसर दो मुझे आर्स में आंसर नहीं चाहिए मैंने कहा ठीक है अब ये रुपीस निकालना पड़ेगा कैसे निकालूंगी कॉस्ट के बेसिस पे ओवरहेड रेट के बेसिस पे तो इसने का आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बेसिस पे होगा ना कि मैक्सिमम ना कि नॉर्मल फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन प्रैक्टिकल कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है प्रैक्टिकल कैपेसिटी हमने निकाल ली कैसे निकाली मैक्सिमम माइनस एब नॉर्मल मतलब माइनस अनअवॉइडेबल तो अनअवॉइडेबल में संडे थे हॉलीडेस थी प्लस ये नॉर्मल जो ग्रीसिंग था ये था तो इसका करके आया टू वन एट फोर आवर्स तो यहां से हमें कॉस्ट आई फॉर्मूला लगा के आइडियल कैपेसिटी आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट आ गई ठीक है so सो ऐसे था आपका ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा कैसे हमारे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल नॉर्मल एंड मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज़ किया जाता है सो दैट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेर आई विल बी ईदर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर फाइव और आई विल बी स्टार्टिंग विद एडमिन ओवरहेड्स डिपेंड्स ऑन माई मोड ओके बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल